काफ़ी प्यारी जगह है ये माउंट आबू, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। गुजरात और राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है छुट्टियाँ बिताने के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट की बसेस आती हैं, ये वो जगह है। आप जैसे देखिए कोई सी भी मंथ में आप यहाँ पे आ सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे। सोचा नहीं था कि राजस्थान में ऐसी जगह भी हो सकती है जो पहाड़ों सामने, तो लिटरली आप क्लाउड देख सकते हैं, वो कोई कोहरा नहीं है, दैट इज़ द क्लाउड, क्लाउड में बादल हैं। देखा जाएगा यहाँ पे माउंट आबू में आपको ब्रेकफास्ट में यही चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे देख लीजिए, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा काफ़ी जल्दी आ गया, 7:30 हो रहे हैं और 9 बजे से इनका चेक इन है द होटल स्टार विला। तो अभी काफ़ी टाइम है, तो मैंने अपना लगेज लॉकर रूम में रख दिया है। और इस साइड में है नकी लेक और इस साइड से आया हूँ मैं, तो चलते हैं मतलब वॉक करते हुए। और इस रोड पर काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव आइट से, और आपको बताऊंगा इसका प्राइस जब मैं आप होटल का आपको रिव्यू दूंगा, तो वो एक ब्लॉग उस पर भी डालूंगा, तो आप वो ज़रूर देखिए वो ब्लॉग, जल्दी ही आएगा। तो अभी चलते हैं नक्की लेक की तरफ थोड़ा वॉक करते हुए। काफ़ी काफ़ी प्यारी जगह है ये माउंट आबू, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो वेदर तो भैया मुझे तो काफ़ी हल्का हल्का सा मतलब ठंड जैसा फील हो रहा है यहाँ पर। इस साइड पर भी कोई होटल्स, और ये है होटल हिलॉक। राजस्थान का ये एकमात्र हिल स्टेशन है। गुजरात और राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है छुट्टियाँ बिताने के लिए। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है बीइंग हियर इन माउंट आबू। सुबह का टाइम है तो इतना क्राउड नहीं है, यहाँ पे रोड खाली है, तो कुछ बैठे हुए यहाँ पर स्पेशल कुल्लड़ चाय 20 ओनली। और यहाँ पे जो रिलीजियस प्लेस और मैं बोलूँगा धार्मिक स्थल यहाँ पे काफ़ी हैं, ब्रह्म कुमारी का आश्रम ले लीजिए या टेंपल्स, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, माउंट आबू आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। और यह बस स्टैंड, मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइवेट बसेस खड़ी रहती हैं। तो प्लान ये है कि अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद लेंगे एक स्कूटी यहाँ से, एक ले लूँगा स्कूटी रेंट पे फ्रॉम द नकी लेक, और उसको पार कर देंगे अपने होटल में। देन होटल में अपना थोड़ा रेस्ट करके फिर गुरु शिखर तक के लिए चलेंगे, और बीच में आने वाले जितने भी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। और एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे साल के किसी भी मौसम में आया जा सकता है इन माउंट आबू। यहाँ पे गवर्नमेंट की बसेस आती हैं, ये वो जगह है। आप जैसे देखिए बस स्टैंड और गवर्नमेंट बस स्टैंड ऑफ माउंट आबू। तो आप अगर आबू रोड से बसेस लेंगे ना, तो वो बसेस यहीं पे आके लगती हैं, और ये होटल वाले एरिया और नक्की लेक के एकदम पास है, तो काफ़ी ठीक लोकेशन पर है आई थिंक। कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी और टुवर्ड द नक्की लेक। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाती हैं स्कूटीज बस स्टैंड के, जो गवर्नमेंट बस स्टैंड है उसके जस्ट पास में है। कई सारे ढाबे भी हैं, और जैसे गुजरात ट्रेवल कार्गो, तो आराम से आप यहाँ पे एक्टिवा
और जो भी अदर बाइक्स आप लेना चाहते रेंट पे मिल सकती हैं आराम से। पहुंच गया करीब करीब नकी पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमिनोज भी है, गुड, मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया, फिर से बता देता हूँ, आप कोई सी भी मंथ में आप यहाँ पे आ सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे, कपड़ों के, खाने पीने के बड़े बड़े स्टॉल्स, जो भी KFC तो पता नहीं, पर मैंने अभी डोमिनोज देखा था, पर मुझे लगता है कि सब कुछ यहाँ पे ईजिली अवेलेबल है। और तो दोस्तों पहुँच गए नकी लेक, सामने दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है कि करीब करीब मुझे लगा यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट्स, वो भी बहुत स्लो वॉक किया जब। तो भाई साहब, ये पूरी ये झील है नकी लेक, तो इस साइड से चलते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद आएंगे वापस, तो देख लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन है ये, ये नकी लेक के साइड में ही ये पार्क है, तो इसे नकी पार्क बोल सकते हैं, जो नगर पालिका माउंट आबू के अंडर में ही आती है। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, मतलब यार मैं जैसलमेर गया, मैं बाड़मेर गया, मैं बीकानेर गया, सोचा नहीं था कि राजस्थान में ऐसी जगह भी हो सकती है जो पहाड़ों की हरी भरी, जंगल, लेक और इतना प्यारा वेदर, ज़बरदस्त। यहाँ पे मुझे लगता है कि जब आप इवनिंग में नकी लेक पे आओ तो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये बोटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे लाइन लगानी होती होगी आई थिंक। सामने तो लिटरली आप क्लाउड देख सकते हैं, वो कोई कोहरा नहीं है, दैट इज द क्लाउड, क्लाउड है, बादल हैं जो नकी लेक के सिर्फ जस्ट ऊपर से होके जा रहे हैं। बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है अभी। और ये बोट्स हैं, आप बोटिंग भी कर सकते हैं इसमें, जैसे आप बोटिंग कर सकते हो नैनीताल में, उसी तरीके की यहाँ पे बोटिंग है, ब्यूटीफुल। तो अभी मैं नकी लेक पर यहाँ पे अलोंग द साइड नकी लेक में वॉकिंग कर रहा था, तो मुझे ये मिले, अहमदाबाद से हैं उमेश राजपूत और आई थिंक इनके हर्ष पटेल। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताई, आई मीन केवल माउंट आबू के बारे में नहीं, अहमदाबाद के बारे में, और बहुत सारे इन्होंने सजेशन भी दिए, तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे इनके जो भी पॉइंट्स थे, और काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। और इससे एक चीज़ और पता चली मुझे कि अहमदाबाद से और गुजरात से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं माउंट आबू यहाँ पे, तो जब आप बोर हो जाओ हिमाचल उत्तराखंड से, तो राजस्थान के इस माउंट आबू को भी मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, इसको एक ऑप्शन रख सकते हो, 2 दिन का टूर बना सकते हो यहाँ के लिए। तो आगे और भी आपको अपडेट देता रहूँगा सारे दिन, तो बने रहिए चैनल में। तो दोस्तों मैं हूँ अम्बेडकर सर्किल, और यहीं पे काफ़ी सारी ये रेस्टोरेंट्स हैं, और काफ़ी मतलब यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, काफ़ी खाने के काफ़ी स्टॉल्स हैं इधर। दिस इज़ द 70 रुपीज़ ब्रेकफास्ट, ये कुछ ये खांडवी और चाय, देन दिस वन, तो 70 रुपये में ये ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं। सामने देखो भैया, कुछ सामान भी बनाए जा रहे हैं इधर। ये है ये रेस्टोरेंट, ये जस्ट इसके सामने है अंबेडकर सर्किल, और चाय तो इनकी ज़बरदस्त है। थोड़ी रिम रिम बारिश हो रही है, और ये हमारा ब्रेकफास्ट,
ये चीज़ काफ़ी टेस्टी है, देखा जाए तो यहाँ पे माउंट आबू में आपको ब्रेकफास्ट में यही चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे देख लीजिए काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी। वो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, सुबह के 9:30 बजे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पास में भी एक और शॉप है और इधर ये गरम गरम जो भी गुजराती जो ब्रेकफास्ट है वो बन रहा है। बाकी समोसे कचौड़ी आपको पसंद है तो वो भी लिए जा सकते हैं। मैं करता हूँ ये फिनिश, मैं आपको दिखाता हूँ स्कूटी जो मैंने ली थी 300 रुपये में रेंट पे। तो दोस्तों एक एक्टिवा ले लिया मैंने रेंट पे, जैसे मैंने बताया 300 रुपये मुझे इसके देने हैं सुबह जो भी 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, मतलब पूरा दिन के आपको 300 रुपये इसके देने होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस वो ले लेंगे और आपको एक स्लिप दे देंगे और आपका जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस नेम वगैरह सारी चीज़ें लिस्टेड आउट होगी। अब आप रात को 8 बजे जब इसको वापस करेंगे, आई मीन स्लिप को दिखा के जब एक्टिवा आप वापस करेंगे उस टाइम पर अपना लाइसेंस वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पास में ही यही नक्की जो बाज़ार है उसके आसपास से ही ये मैंने स्कूटी रेंट पे ले लिया। बहुत सारी स्कूटी रेंट पे देने वाले शॉप्स हैं, आप आराम से आपको मिल जाएगा नक्की लेक और अम्बेडकर सर्किल के आसपास जो कि यहाँ के जो मेन बाज़ार हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 200 रुपये की मैंने पेट्रोल डलवाई है, बिकॉज गुरु शिखर यहाँ से है 17 किलोमीटर दूर, तो 34 किलोमीटर दो लीटर पेट्रोल काफ़ी होगी। और यहाँ पे पेट्रोल के दाम है आज की डेट में 110 रुपये पर लीटर, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं मैं अपने होटल पे आ गया हूँ, अभी बाइक करूँगा अपनी कार, अभी होटल में थोड़ा करेंगे स्टे और देयर ऑन, और उसके बाद जाएंगे गुरु शिखर और यहाँ की जो भी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं वो घूमने के लिए।